हाय फ्रेंड्स, आज वर्ड पाइल्स डे है। कोई भी दिन क्यों मनाया जाता है? उसके पीछे दो कारण होते हैं। एक तो डेफिनेटली जो जिस कॉज के लिए वो दिन मनाया जा रहा है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दैट मीन्स वो इतना कॉमन हो चुका है कि अब वो डे सेलिब्रेट करना ज़रूरी है। दूसरा, अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, क्योंकि अवेयरनेस से ही हम उस डिजीज से बच सकते हैं। जैसे एड्स डे है, कैंसर डे है, ये सब इसीलिए मनाए जाते हैं कि अवेयरनेस क्रिएट हो। तो आज जैसे कि वर्ड पाइल्स डे है, तो 20 साल से मैं इस लाइन में काम कर रहा हूँ और हमने लाखों पेशेंट चेक किए हैं, ट्रीट किए हैं, और उसके बाद जो हमने रिसर्च पेपर्स लिखे हैं उससे हमें ये चीज़ कन्फर्म्ड है कि ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। यानी आपके रहन सहन, खान पीन की आदतों से ही होता है, और अगर आप उन आदतों को करेक्ट कर सकते हो तो डेफिनेटली आप इस बीमारी को ठीक कर सकते हो, और अगर आप करेक्ट ही कर लोगे तो ये बीमारी होगी ही नहीं। तो आज के दिन हम प्रिवेंशन की बात करते हैं कि हम बच कैसे सकते हैं इस बीमारी से। तो आप अगर पास्ट में देखें तो आपके जो घर के बड़े थे वो क्या करते थे, उनकी एक्सरसाइज होती थी, उनकी डाइट प्रॉपर होती थी। आज ना तो एक्सरसाइज है, ना डाइट प्रॉपर है, ना टाइमिंग प्रॉपर है। तो आप अपने खान पान, रहन सहन की आदतों को करेक्ट कीजिए। डेली अपनी डाइट में फ्रूट डालिए, फ्रूट ज़रूर खाना चाहिए, सैलेड दोनों टाइम लेना चाहिए, और फाइबर की एक आदत डालनी चाहिए कि हमारी डाइट में फाइबर ज़रूर होना चाहिए। फाइबर कम होने से भी कॉन्स्टिपेशन रहता है। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट दो बातें हैं, एक तो कॉन्स्टिपेशन, जो जिसको हम मदर ऑफ ऑल डिजीज कहते हैं, और पाइल्स में तो ये बहुत ज़्यादा एक रोल प्ले करती है कॉन्स्टिपेशन। दूसरा फैक्टर है नेचुरल अर्ज को इग्नोर करना। यानी आपको टॉयलेट का प्रेशर है पर आप उसको इग्नोर कर रहे हो, उस समय टॉयलेट नहीं जा रहे, और जब प्रेशर नहीं है आप बैठे हो और वहाँ जोर लगा रहे हो और बहुत बहुत देर। आज के बच्चों में तो ये बहुत ही कॉमन है, जो यूथ है वो टॉयलेट में आधा घंटा, पौना घंटा इतना स्पेंड करना उनके लिए नॉर्मल है, क्योंकि वो वहाँ फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, मैगजीन पढ़ रहे हैं, उनको एहसास ही नहीं होता कि टाइम इतना बीत गया। तो उनको ध्यान देना चाहिए, हमें अपने लाइफस्टाइल करेक्ट करना चाहिए। टॉयलेट में मैक्सिमम टाइम, आइडियली तो 3 से 5 मिनट होता है, पर मैक्सिमम टाइम 10 मिनट है। अगर उससे ज़्यादा बैठते हो तो डेफिनेटली आपको कोई ना कोई एनोरेक्टल डिसऑर्डर हो जाएगा। बवासीर क्या होती है? फूली हुई खून की नसें, और मैक्सिमम केसेस में ये स्ट्रेनिंग से यानी जोर लगाने से ये प्रॉब्लम आती है, और वो जोर हम कब लगाते हैं? जब कब्ज होती है। तो आज के दिन हम बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि हम एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कॉन्स्टिपेशन क्लिनिक का, गुड बाय कॉन्स्टिपेशन। ये हमने क्लिनिक का नाम ही ये सोच के रखा है कि हम क्यों ना उस प्रॉब्लम को ही हटा दें जिसकी वजह से ये सारे डिसऑर्डर होते हैं। तो कॉन्स्टिपेशन को अब कैसे हटाया जा सकता है, तो उसके लिए मैं छोटी छोटी कुछ टिप्स आपसे डिस्कस करूंगा। जैसे वाइट राइस है आपकी डाइट में, उसको ब्राउन राइस से रिप्लेस कर दो। मेनली हम खाने में, हम लोग अनाज खाने वाले लोग हैं तो आटा ज़्यादा खाते हैं, तो आप आटा नॉर्मल लेने की बजाय मल्टीग्रेन आटा लो, चने का आटा और दूसरे जो अदर सोर्सेज हैं उसको मिक्स कर दो, तो मल्टीग्रेन आटा बनवाओ आप, उसी को, उसी की चपाती खाओ, तो उसमें फाइबर ज़्यादा होता है, उससे कॉन्स्टिपेशन आपकी ठीक रहेगी। तीसरी इम्पॉर्टेंट बात है कि हमेशा आपका डिनर लाइट होना चाहिए ताकि सुबह उठते ही आपको भूख लग जाए, और जब आप सुबह उठते, अब जैसे हमारे कल्चर में ही है कि लोग सुबह उठ के चाय पीते हैं, और रियली ऐसा होता है कि वो चाय पीने के बाद उनका पेट साफ हो जाता है। उसका कारण यही है कि जब हम सुबह उठ के कोई भी ईटेबल या कोई भी लिक्विड लेते हैं, स्पेसिफिकली हॉट लिक्विड, तो हमारी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, जो इंटेस्टाइन की मूवमेंट है, वो इंक्रीज हो जाती है। तो सुबह उठ के आपको भूख तभी लगेगी अगर रात को लाइट खाया आपने। हमारे कल्चर में नॉर्मली हम लोग जब सोशलाइज करते हैं, पार्टीज में जाते हैं, तो डिनर्स वगैरह हैवी होते हैं। तो मेक इट ए रूटीन कि आप लाइट डाइट लो, और वो लाइट डाइट सुबह आपको भूख लगी हो, आप चाय के साथ कोई हल्का फुल्का स्नैक्स, बिस्किट वगैरह लो, और 2-3 ग्लास हॉट वाटर के ज़रूर लो मॉर्निंग में, जितना आपको इजीली आपकी बॉडी परमिट करती है।
तो उससे कॉन्स्टिपेशन इनिशियल स्टेज में ही एड्रेस हो जाती है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि क्या है कि आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब आपकी बॉडी आपको बता रही है कि आपको टॉयलेट जाना चाहिए, तो आप सारे काम छोड़ के टॉयलेट चले जाओ। और जब आपको प्रेशर नहीं है तो आप ऐसे ही जबरदस्ती टॉयलेट जाने की कोशिश मत करो। आपकी बॉडी एक कंप्यूटर है और कंप्यूटर में हर तरीके का सेंसर है, तो जैसी रिक्वायरमेंट होती है वैसे ही सिग्नल ब्रेन को चला जाता है। इस बात को आप समझिए। और कई बार हम ऐसा होता है, हमारे दिमाग में इतना मेंटल प्रेशर क्रिएट हो जाता है कि यार मैंने स्कूल नहीं पास किया, पता नहीं क्या। ऐसा कुछ नहीं होगा, जस्ट वेट, बॉडी विल ऑटोमेटिकली एडजस्ट एंड एट द राइट टाइम यू विल गेट ए सिग्नल इन द ब्रेन दैट यू वांट टू, यू नीड टू गो टू द टॉयलेट। तो आप उस समय टॉयलेट जाइए और आपका पेट साफ हो जाएगा। और एट द एंड में वर्ल्ड पाइल्स डे पे आप सबको एक मैसेज देता हूं कि अगर आप इन सारी छोटी छोटी टिप्स को फॉलो करोगे तो सिर्फ आप ही नहीं, आपकी सोसाइटी में आपके दोस्त, आपके रिलेटिव्स, आपके फैमिली मेंबर्स, वो सारे इस बीमारियों से बच सकते हैं। तो इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और अवेयरनेस क्रिएट करो आज के दिन, ताकि मैक्सिमम लोग इससे बेनिफिट उठा सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।